देर इज़ सम कॉल्ड सर्विस पार्ट्स पाकिस्तान में हम उसको स्पेयर पार्ट्स का नाम देते हैं uh, ये uh, हैं जो कि स्पेयर पार्ट्स हमें लड़ से कार है उसके स्पेयर पार्ट्स हम बाज़ार से ख़रीदते हैं मार्केट से हमारा प्रॉब्लम uh, हो गई है तो उसको हम uh, उधर हैंडल करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल टायर है कार का अब कार अब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जब हम लट से हम कहते हैं कि जी नेक्स्ट वीक हम ट्वेंटी कार्स प्रोड्यूस करेंगे खास मॉडल तो उसके प्रोडक्शन के लिए हमें पाँच टायर फी कार चाहिए तो सौ टायर्स हमें चाहिए होंगे तो ये हम एम के थ्रू ये डिटरमिन कर लेंगे लेकिन ऑन द अदर हैंड ये टायर्स मार्केट के अंदर भी चाहिए क्योंकि जब गाड़ी के टायर्स ख़राब हो जाते हैं तो हम उसको चेंज करेंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग आती है हमेशा याद रखिएगा कि जो तो डिपेंडेंट uh, डिमांड है जैसे कि एक कार प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए पांच टायर चाहिए तो इधर टायर जो हैं वो डिपेंडेंट डिमांड हो जाती है इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कार्स टू बी प्रोड्यूस तो किसी और यूनिट के ऊपर किसी और प्रोडक्ट के ऊपर वो डिपेंड कर रही होती है उसके अपने रिक्वायरमेंट तो वो तो रिक्वायरमेंट कैलकुलेट होती है लेकिन जो मार्केट से डिमांड आती है वो हम उसको इंडिपेंडेंट डिमांड कहते हैं और वो जो डिमांड है वो फोरकास्ट होती है तो सर्विस पार्ट्स जो हैं वो बेसिकली फोरकास्ट होते हैं क्योंकि ये मार्केट से डिमांड आ रही होती है ये आपके एंड प्रोडक्ट के ऊपर इनका डिपेंड नहीं कर रही होती है। तो इसलिए इसके जो फोरकास्ट है वो हम अलग से करेंगे लेकिन एमआरपी के अंदर ये दोनों आपने एक ही रिकॉर्ड इसका बनाना है और वो आपने उसको आ, ये जो सर्विस पार्ट है उसको भी एम में इनकॉर्परेट करना होता है सो सर्विस पार्ट की डिमांड ये एम रिकॉर्ड के अंदर इंक्लूड की जाएगी और जैसे मैंने कहा कि टिपिकली फोरकास्ट की जाती है और इसके अंदर ग्रॉस रिक्वायरमेंट के अंदर डायरेक्टली इसको हम ऐड करते हैं और फिर उससे हम कैलकुलेशन करते हैं क्योंकि हम इसके लिए अलग रिकॉर्ड नहीं बनाते हम ये नहीं कहते कि जी लट से ए प्रोडक्ट ए के अंदर ये वाई यूज़ हो रहा है तो उसके लिए अलग हम रिकॉर्ड बनाएं और मार्केट के लिए जो है उसके लिए अलग बनाएं क्योंकि ये हम जब आ, अपने वेयर हाउस के अंदर ये वाई को रखेंगे वाई प्रोडक्ट को या कंपोनेंट को तो वो हम बेसिकली ये नहीं कहेंगे कि जी ये जो कंपोनेंट है ये सौ कंपोनेंट्स तो हमारे प्रोडक्ट के लिए चाहिए और ये पचास कंपोनेंट्स हमारे मार्केट के लिए चाहिए इस तरह नहीं होगा इन्वेंट्री एक ही जगह होगी उसमें से फिर सिस्टम के मुताबिक निकाली जाएगी और कंज्यूम की जाएगी तो इसके अंदर लट से यही हमारे प्रोडक्ट है आ, इसको हमने लो लेवल पर इसको कर लिया है कोडिंग और इसके अंदर हमने वाई को देख रहे हैं कि जी वाई अगर मार्केट के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट है सब असम्बली की तो और प्रोडक्ट ए में भी रिक्वायरमेंट है तो उस बेसिस पर हमने उसको किस तरह हैंडल करना है आ, इसके अंदर ये हमारे पास डेटा गिवन है कि प्रोडक्ट ए की जो रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन की वो ट्वेंटी यूनिट सेकेंड वीक में है थर्टी फाइव थर्ड में फिफ्टीन फोर्थ में एंड थर्टी फिफ्थ में जबकि हमारे पास जो फोरकास्ट है कि मार्केट से जो मार्केट से डिमांड की जो फोरकास्ट हमने की हुई है उस बेसिस पर सेकेंड वीक में हमें दस चाहिए यूनिट थर्ड वीक में ट्वेंटी फाइव फोर्थ में फाइव एंड फिफ्थ में अगेन ट्वेंटी फाइव अब जो हमने ग्रॉस रिक्वायरमेंट डिटरमिन करनी है वो इन दोनों को कंबाइन करके वाई की ग्रॉस रिक्वायरमेंट डिटरमिन होगी क्योंकि एक वाई चाहिए फॉर ईच ए तो उस बेसिस के ऊपर हमने इन दोनों को ए के टेंटी और मार्केट के टेन तो टोटल हमारी ग्रॉस रिक्वायरमेंट थर्टी हो गई सेकंड वीक में थर्ड वीक में थर्टी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव सिक्सटी फोर्थ वीक में फिफ्टीन प्लस फाइव ट्वेंटी एंड फिफ्थ वीक में थर्टी प्लस ट्वेंटी फाइव फिफ्टी फाइव तो ये हमारे पास ग्रॉस रिक्वायरमेंट आ गई और ये हमने सर्विस पार को इसी तरह इनकॉर्पोरेट एम रिकॉर्ड के अंदर कर लिया बाकि लीड टाइम गिवन है वाई का वन वीक लगेगा लॉट साइज जब भी प्रोडक्शन होगी ट्वेंटी या मल्टीपल ऑफ ट्वेंटी होगी सेफ्टी स्टॉक कुछ नहीं चाहिए अब इस बेसिस के ऊपर क्योंकि बिगनिंग इन्वेंट्री हमारे पास टेन यूनिट्स थे तो उसी को लेकर हम चले हैं सेकेंड वीक के अंदर हमें नेगेटिव हो रही थी तो हमने ट्वेंटी यूनिट्स का ऑर्डर किया जो कि हम रिसीव सेकेंड वीक में करेंगे ट्वेंटी प्लस टेन थर्टी हो जाएगा तो थर्टी की डिमांड मीट हो जाएगी हमने नेक्स्ट किया तो हमारे पास हमने एटी का ऑर्डर किया फोर लॉट्स का और हमारे पास 20 यूनिट्स बच गए ये 20 हमने इधर फोर्थ वीक में कंज्यूम किए एंड देन हमारे फिफ्टी फाइव करने के लिए थ्री लॉट्स की रिक्वायरमेंट हो गई तो सिक्सटी की हमने रिसीव किया उसमें से 55 फाइव कंज्यूम किए और हमारे पास फाइव यूनिट्स एंडिंग इन्वेंट्री रह गई ये हमारे पास फर्म प्लान ऑर्डरस हैं ये फर्स्ट थ्री वीक्स के जबकि लास्ट वो जो फोर्थ वीक का है दैट इज़ बेसिकली योर प्लैंड ऑर्डर रिलीज अगेन इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते इसमें हम कर सकते हैं और ये हमने सर्विस पार्ट्स को इस तरह इंक्लूड कर कर ये अपनी वाई के हमने वो बना ली है अब इसके अंदर बेसिकली अगर हम देखें नेक्स्ट तो C1 वन कंपोनेंट जो है वो कैसे अफेक्ट होगा अब Y के अंदर रिक्वायरमेंट फर्स्ट वीक में 20 सेकंड में 80 फोर्थ में 60 है अब C1 A में भी जा रहा है तो उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ गिवन है बट इधर दो ए दो C1 चाहिए हर A के लिए तो उसके हिसाब से फर्स्ट वीक तो वाई के लिए सिर्फ ट्वेंटी है, सेकंड वीक फोर्टी ए के लिए एटी वाई के लिए थर्ड वीक सेवेंटी के सेवेंटी ए के लिए फोर्थ वीक थर्टी ए के लिए सिक्सटी वाई के लिए एंड देन लास्ट सिक्सटी जो है वो ए के लिए हैं so सो ये हमारी ग्रॉस रिक्वायरमेंट आ गई और उस बेसिस के ऊपर अगर हम देखें तो हमारे फर्म प्लान ऑर्डर जो है वो वन एटी और ये भी एटी जो है ये फर्म प्लान ऑर्डर के अंदर फॉल कर रहा है और ये जो है ये प्लान ऑर्डर रिलीज के अंदर एटी फॉल कर रहे हैं एटी और वन ट्वेंटी और मल्टीपल ऑफ लॉट साइज जो कि हम ऑर्डर कर रहे हैं क्योंकि जो रिक्वायरमेंट थी वो फोर्टी से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट थी इसलिए हमने ये क्वान्टिट्टी इसके अंदर ऑर्डर प्लेस की है